भारत से अपने फेसबुक प्रेमी के लिए पाकिस्तान जाने वाली अंजू एक बार फिर चर्चा में है। भिवाड़ी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए पुलिस हरियाणा के सोनीपत पहुंची। पुलिस ने अंजू से 12 सवाल पूछे, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। अंजू की ओर से पुलिस को दिए गए बयान में कहा गया कि वह अपनी मर्जी से पाकिस्तान गई थी। इस बीच पाकिस्तान से भागकर भारत आने वाली सीमा हैदर ने अंजू मामले पर बड़ा बयान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में सीमा ने अंजू पर शक जताया है। सीमा हैदर ने कहा कि जो लड़की भारत जैसा खूबसूरत देश छोड़कर पाकिस्तान जा सकती है, वहाँ महीने रहकर वापस भारत आ गई, तो जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। इसके अलावा सीमा ने अंजू की जांच की मांग की। उसका कहना है कि इस बात की जांच होनी चाहिए, कहीं अंजू को पाकिस्तान ने किसी खतरनाक इरादे से तो वापस नहीं भेजा। दरअसल जुलाई में अंजू अपने प्रेमी नसरुल्ला के लिए पाकिस्तान चली गई थी। वो वीजा लेकर पाकिस्तान गई थी। अंजू शादीशुदा है और उनके बच्चे भी हैं। अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद उनके भारतीय पति अरविंद ने केस दर्ज कराया था। भिवाड़ी के एसपी योगेश धादिच का कहना है कि अंजू के पति ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसी के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए अधिकारियों को भेजा गया था। अंजू ने पाकिस्तान में जाकर ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। पूछताछ में अंजू ने कहा कि वो ईसाई धर्म को मानती है और उसे हिंदू धर्म के नियमों की जानकारी नहीं है। अंजू के भारत वापस आने के बाद से अरविंद मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो आगे के फैसले बच्चों पर छोड़ते हैं, अगर बच्चे कहेंगे तो वो केस भी वापस ले लेंगे। अंजू और नसरुल्ला के खिलाफ अरविंद ने केस दर्ज कराया था। अंजू के पिता ग्वालियर में रहते हैं और उन्होंने अंजू से रिश्ते पर साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अंजू से परिवार का कोई भी सदस्य नहीं मिलेगा।